नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल राजेश में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी कार है टाटा टाइगोर कलेक्टर मीटर के अंदर सर्विस रिमाइंडर की लाइट आ रही है। जैसा कि मैं सर्विस रिमाइंडर लाइट को रीसेट करने का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हम इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले दिखाऊँगा आपको, इग्निशन ऑन कर दिया। अभी इस पे लिखा हुआ आएगा कल प्रेस क्लच। मुझे गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी थी, इसलिए मैंने क्लच को नहीं प्रेस किया। अब आ गया सर्विस ड्यू, जो सर्विस ड्यू का ये रिमाइंडर है ये गाड़ी में आ रहा है, लेकिन गाड़ी की सर्विस ऑलरेडी हो रखी है तब भी आ रहा है। तो इसका जो हटाने का प्रोसेस है मैं वो बताऊँगा कि कैसे हम इसको मैनुअल ही रीसेट कर सकते हैं। जैसा कि ए होता है मोड नोब और ए होता है सेट मोड, तो हमें मोड नोब को दबाना है। जैसे कि मैंने एक बार इसको प्रेस किया तो आप अगर देखोगे यहाँ पे चेंज होता रहेगा, एवरेज आया, किलोमीटर रीडिंग आई। अब जैसे सर्विस ड्यू का ये बिलिंग कर रहा है जो चाबी, यहाँ पे जब ये आ जाएगा इसको हमें जो सेट मोड है इसको हमें होल्ड करके रखना है। जैसे कि मैंने होल्ड कर लिया, 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड के लिए हम इसको होल्ड करके रखेंगे तो जो ये जीरो है वो बिलिंग करने लगेगा। अभी जैसे मैं होल्ड करके रखा हूँ, अब ये बिलिंग कर रहा है। इसके बाद इसको छोड़ना है, 2 सेकंड के लिए छोड़ना है, इसके बाद इसको दोबारा से होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड के लिए दोबारा से होल्ड करके रखना है इसको। अभी ये जो बिलिंग कर रहा है वो रुक जाएगा। अब ये रुक गया, अब ये सर्विस लाइट डिलीट हो गया। जैसे कि मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं इसका इग्निशन ऑफ कर देता हूँ, मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया और इग्निशन ऑन कर दिया, तो अभी जैसे देख रहे हैं आप, इसमें प्रेस क्लच लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर सर्विस ड्यू का लाइट नहीं आ रहा। जैसे कि मैं जो मोड नोब है वहाँ भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आप देखना, तो यहाँ पे जो जीरो और सर्विस लाइट का इंडिकेशन आ रहा था वो भी हट चुका है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है जिससे कि हम सर्विस रिमाइंडर को हटा सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।